जूनियर विराट कोहली के नाम से मशहूर 18 साल के आदित्य सिंह को अगले अंडर 19 टूर्नामेंट में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के लिए चुना गया। सर, सर ये न्यूज आर्टिकल आप अभी भी पढ़ रहे हो? ये केस तो कब का खत्म हो चुका है? राजीव, कुछ केसेस ऐसे होता है जो इंसान के जहन में घर कर जाता है। ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य बन सकता था, लेकिन किसने सोचा था इसके साथ ऐसा हो जाएगा? सही कह रहे सर, लड़का मेहनती तो था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता था। जल्दी आ जा, ला। अरे सुजाता, पंडित जी अभी तक नहीं आए। भगवान, कितनी बार कहा है उन्हें कि वक्त से आया करें, आज लगता है फिर से सैलरी कटेगी। चल माँ, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने सुबह सुबह आके सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू क्या आंटी, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं एक फेमस क्रिकेटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं देख के आती हूँ। आंटी आप रुको, मैं देखता हूँ। यार तू ऐसे पूजा से उठ के क्यों आया? देख आदि, कम से कम तेरे पास अपने पापा की अच्छी यादें तो है। मेरा देख, मेरे पापा शराबी थे, माँ को मारते थे, और फिर एक दिन मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के चले गए। तेरे पापा तुझसे प्यार करते थे। दिनू तो नहीं समझेगा, 2 साल में ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन मैंने पापा को याद नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक हिस्सा किसी ने काट दिया हो। आदि, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापा की याद नहीं आती? मैं जानती हूँ तेरे अंदर बहुत सारे सवाल है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, हमारे लिए। माँ, मैंने पापा से वादा किया था मैं आपका ख्याल रखूंगा जिंदगी भर, लेकिन लेकिन क्या, अभी मैं तेरा ख्याल रखूंगी और जब तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा ना, तब तू मेरा ख्याल रख लेगा। लेकिन तू इस तरह अपना मूड खराब मत कर, आज तेरा अंडर 19 क्रिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। तेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। रिक्शा, रिक्शा, एसके कॉलेज? नहीं, एक काम बाकी करना पड़ेगा। पर आदि, आज तेरा सिलेक्शन है और आज ये सब? दीनू, जरूरी है। फिर ठीक है, चल मैं भी आता हूँ। We'll be right back.
अभी इतना इंतजाम हो पाया। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों के इन हरकतों के क्या नतीजे हो सकते हैं? सर प्लीज सर, सस्पेंशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है सर, प्लीज। हाँ तो ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम लोगों ने अपने क्लास में आदित्य के ऊपर हमला किया था। सर सीधा कहिए, आदित्य आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सर आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग में आदित्य को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये मौका छीन रहे। अभी केवल सस्पेंड हुए हो तुम दोनों, लेकिन मेरे कहने पर सिलेक्शन कमेटी तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर सकती है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट आउट। सॉरी। अरे कोच के दम पे बहुत उछल रहा है ना तू, किसी दिन बाहर मिल। ठीक है तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। स्कोर सेटल करना है ना, हम करेंगे इसका स्कोर सेटल। नीलू, बेटा क्या कर रही है तू? क्या हुआ तुझे? विनय कहाँ है तुम्हारा वो प्लेयर जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहते, क्योंकि बाकी के तुम्हारे प्लेयर्स तो कुछ खास प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जैसा आदित्य बस आता ही होगा, मेरी नज़र में आदित्य एक काबिल स्टूडेंट के साथ साथ एक काबिल क्रिकेटर भी है। उसकी बैटिंग में एक शार्पनेस है, अगर आने वाले टाइम में कोई राइजिंग स्टार या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकता है तो ये पोटेंशियल आदित्य के अंदर है। ये लो आ गया आदित्य। आदित्य इतना लेट, तुम्हें मालूम है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सॉरी कोच। ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग, कम ऑन, गेट अप, कम फास्ट। Lovely shot. Well played, Aditya. विनय सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ ये बताओ, तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा बाय। हाँ एक मिनट रुको। सुनो, अब तो आदि का भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है, और इससे पहले कि विक्रम फिर से कुछ कर ले, उसे ये जताना बहुत जरूरी है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा रखती हूँ। हाँ सुजाता। मैम सब खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फोन भी नहीं लग रहा उसका।
अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो। बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू? मिंसा क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मिंसा? आज ही उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किडनैपर्स तो कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए ना सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पानी पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए आप घबराइए मत, आपका फ़ोन भी जो है हमने सर्विलेंस से डाल रखा है। किडनैपर का फ़ोन आता ही है, आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, सिलेक्शन को लेकर कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुजी, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। वो विक्रम ही है सर। हाँ सर, वो विक्रम ही हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है, वो विक्रम ही है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे, अनु के गले पर चाकू भी रखा था तुमने, मोटिव तो बनता है तेरा। देखिए साहब, अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर थे? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अनु पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की भी पर्सनल कॉलेज डिटेल्स निकालो। ये लड़का स्टेट लेवल पर सिलेक्ट हुआ है, आई एम श्योर इससे कोई ना कोई तो जलता होगा, क्योंकि सिलेक्शन के तुरंत बाद ही ये हादसा हुआ है। सब अरे नीलू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा हमारे साथ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। सर, इसी लोकेशन से किडनैपिंग का कॉल आया था। यही दुकान है ना? यस सर। भाई साहब, परसों रात को करीब 9:30 बजे आपके इस पीसीओ से कोई फोन करने आया था? यहाँ पे काफी लोग फोन करने आते, कुछ याद नहीं सर। अंकिता, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज निकालो। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? बस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका, बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी, उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए, और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो, इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन हाँ कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं, लेकिन सर वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य,
ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उसे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर 19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे सर? विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिसक्वालीफाई किया। सर वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? मैच शुरू होने से पहले दिन 9 बजे तक जनरली यहाँ प्रैक्टिस हुई थी, उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था। सर हेलो, मैं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन ये करना ज़रूरी है। मामी वो आज क्यों नहीं आया? मामी वो रोज आता है पर वो 2 दिन से नहीं आया। चुपचाप खाना खा। कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, 1 बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो सर। और अंकिता यस सर, आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा आदित्य पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा देख रही है मुझे। चली जाओ तुम यहां से। संभालिए अपने आप को अनु जी, हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन, आदि का फोन। माँ मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। नहीं आदि, आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि। अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो हेलो, फोन काट दिया उन्होंने, फोन काट दिया उसे। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन काट दिया, पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर अनु जी आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर ये किडनैपर जहाँ से फोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर ऐसे तो एग्जैक्टली फोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी। इसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो वाकई में उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कि नहीं। राइट सर। यस सर। देखो मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने आदि को वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम सिर्फ आदित्य की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सच सच बताओ आदित्य वहां पर क्यों आता?
एक दिन आदि जब मुझे घर ले जाने आया था तो उसने पहली बार नीलू को देखा और फिर आदि मुझे नीलू के बारे में पूछने लगा। पर जब मैंने नीलू के अतीत के बारे में उसे बताया तो उसे हमदर्दी हो गई। और सर आदि है ही ऐसा जो दूसरों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर ले। सर आदित्य इंसान के रूप में भगवान है। हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारी नीलू के लिए बहुत कुछ किया है बल्कि हम उसके सगे मामा मामी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घर ही मुश्किल से चलता है तो हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतनी बड़ी रकम उसने आप लोगों को दे दी? इससे क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी मार्केट गए हुए थे और नीलू घर पे अकेली थी। पता नहीं किस सर हमने कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन हमारी बेटी इतनी डरी हुई है सर उसने कुछ नहीं बताया। डरो मत। देखो हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ठीक है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताओ तुम। देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हम आदित्य के किडनैपर्स तक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि आदित्य दोबारा से घर वापस आ जाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। इसके माँ बाप कहाँ? सर एक साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब से हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं और इसलिए नीरू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो ठीक है हमें भी पहुँचते हैं। हाँ साहब ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे आपस में भेस चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर ये तो आदित्य है पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है। विक्रम आदित्य के पीछे है और ये इसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब विक्रम ने हमसे झूठ कहा था। सिर्फ इसी ने नहीं किसी और ने भी हमसे झूठ कहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सर ये तो ध्रुव और जहीर है। इसका मतलब वो लोग भी आदित्य से उस रात को मिले थे। और इसकी गोद में क्या है? सारी रात अपने दोस्तों के घर पे दारू पी रहा था तू? हाँ तो फिर ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई। पहले आदि पार्क पहुंचता है और उसके 2 मिनट बाद तुम्हारी गाड़ी पार्क वाले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होती है। तुम्हारे गोद में क्या है? लाश। हाँ सर कुछ नहीं किया है हमने। हम आपको पूरी बात बताते हैं सर। हम आदमी लोग के सामने हमारा पर हाथ उठाया था तो उसको तो सबक सिखाना ही था पर इसके लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसी रात साहब हम उसका नाम ले लेके चिल्लाते रहे उसको ढूंढते रहे नहीं कहाँ गायब हो गया। और सर इसके बाद हम लोग डर गए थे उसके साथ कोई और भी था। इतने में आदि वहाँ से भाग गया हमें पता भी नहीं चला सर। और सर ये जो मेरे गोद में जो दिख रहा है ना सर वो मेरा क्रिकेट किट है सर। मैं जहीर के घर से लेने गया था। झूठ बोल रहा है ना? नहीं साहब देखिए हम उसको गायब नहीं किया है। अंकिता पता करो ये तीनों सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे।
क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर। सर एक बात और, जहरी का अब्बा का मीट शॉप भी है, बॉडी पार्ट्स काटने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत भी नहीं, गुजरना घर में ही अवेलेबल है। एक बैड न्यूज़ है, कटे हुए पैर से आदित्य का डीएनए मैच होता है। सर मेन साहब और आदि बाबा के बीच में सब कुछ ठीक था, पर आदि बाबा के पिता के मरने के बाद उन दोनों के झगड़े शुरू होने लगे। मैंने तो और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना आंटी, बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जाए यहाँ से। आंटी मेरी बात से। मैं मानती हूँ मेरा और रमन का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती? पिता के जाने के बाद उसे लगने लगा कि उसे मेरा ख्याल रखना है, और इसलिए मेरी और रमन की नज़दीकियाँ उसे चुभने लगी। हाँ सर, अनु जी को मेरे साथ देख के उसको लगा कि मैं उसके पिता की जगह लेना चाह रहा हूँ। दीदी, दीदी, क्या हुआ नीलू, तुम ठीक तो हो? मुझे बड़े साफ मिल बताओ नीलू, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? बेटा बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर मुझे पता है। क्या पता है? कि आदित्य भैया को किसने मारा है? किसने मारा? मेरे मामा ने। मामा ने मारा? लेकिन तुम्हारे मामा तुम्हारे आदित्य भैया को क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था। कैसी हो? आदित्य भैया वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मामा है। तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ? कोई केस नहीं, कोई वकील नहीं है। मामी को ये बात पता है पर वो छुपा रही है। तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ए, क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? खुद अपनी भांजी के साथ क्या कर रहे तुम? तूने क्या किया है? इसका बकरा आराम कर। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सच का केस होगा, सच की कचहरी बैठेगी। नीलू तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से आदित्य भी मुझसे कभी मिलने नहीं आए, मैं हमेशा उनकी राह देखती रही। मेरे मामा ने आदित्य भैया को मारा है, अब वो मुझे भी मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे। सर प्लीज उसे बचा लो वरना वो मुझे भी मार देंगे।
प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे पापा। फिक्र मत कर बेटा, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सोचा तूने यार? यार जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, पुलिस हमें परेशान करती रहेगी। काम करते हैं ना, यहाँ से भाग चलते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं किया, ये घर के बाहर भी नहीं गए, जन की कोई गलती नहीं है। सच बोल, मर्डर और रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तुम्हें। चल चल। सर सर मेरी बात सुनिए, ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा, मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे चल सर। सर क्या कर रहे हैं आप? रुकिए सर, मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसके फोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है, फिर मर्डर किसने किया? राजीव कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा है, लगता सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक कर लेंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार दो संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर आदित्य की माँ बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनू नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ वो उसका ओवरटाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा, अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है, वो इतनी गर्मी है ना, और दीनू को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ पांडे बोलो। हेलो सर, सुजाता दो थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ उधर? कुछ नहीं है मैडम। मैडम उसे कुछ नहीं है। मैडम उसे कुछ नहीं है। मैडम प्लीज मैडम मैडम। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दिनू तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माने नहीं। मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर, वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं है, तो वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना, तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। यार मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे।
हम दोनों? हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? तू यार है मेरा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। माँ मुझे बचा लो माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ प्लीज। बेटे को जिंदा चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। हमें पता था कि मोबाइल पे कॉल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने रैंसम कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही बना ली। फिर मैंने बाहर जाकर एक पीसीओ से आंटी को कॉल किया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके रहने की जगह ढूंढने कैसे ढूंढ? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गांव गया था, फ्लैट मेरे घर के पास ही था तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम वो लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए, और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को जरूर सवाल पूछे जाएंगे। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? आप घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया, मेरी बात मान आ दी, कुछ दिन इंतजार कर ले, मैं अनु आंटी से बात करता हूँ, तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया था? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तीनू सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और दीनू को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ ये हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश ही उसने अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच करके एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही कभी कभार वो नुकसान नहीं देता जो आपका दुश्मन होता है, कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो ही आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।